गौतम बुद्ध जी रहते थे क्या? ये गौतम बुद्ध का ये राजधानी है। तो ये मैं इस बैठ के आदम देखे हैं, इन भैया के साथ में लिफ्ट मिली थी क्योंकि सुबह सुबह कोई मिल नहीं रहा था, तो अभी इसी बैठ कर आए। उन्हीं का यहाँ राज लगता था गौतम बुद्ध जी का, और गौतम बुद्ध जी के जो पिताजी थे वो यहाँ के राजा थे। तो गाइस फाइनली मैं अभी इस मंदिर से निकल चुका हूँ, रात यहीं पर रुका था। तो आज जा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तिलकोरा जगह है, तिलकोट करके है, और उसके बाद मैं जाऊँगा लुम्बिनी जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो तिलकोट में भी उनका मतलब जो घर था उस जगह जाएंगे हम अभी, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर करीब है, और उसके बाद फिर उधर ही जाऊँगा मैं लुम्बिनी, जो कि यहाँ से अभी 18 किलोमीटर है। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और ये वाला रोड है भैया लुम्बिनी वाला रास्ता कौन सा है लुम्बिनी के लिए रास्ता? इधर ओके तिलकोट सीधे, चलिए तो अभी सीधे आना है यहाँ से तिलकोरा कोट यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। तो बारिश का टाइम हो रहा है भाई, बारिश बारिश बारिश, चलिए लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ, क्या नाम है सर, तिलोरा कोट आ गया हूँ, और देखो अभी मैं इसमें बैठ के आया था, आप देख ही रहे हैं, इन भैया के साथ में लिफ्ट मिली थी क्योंकि सुबह सुबह कोई मिल नहीं रहा था, तो अभी इसी में बैठ कर आए हैं, इन्होंने छोड़ा है। ओके थैंक यू जी और लिफ्ट देने के लिए। तो अभी यहाँ से कितना दूर होगा उनका वो? ये आगे से आप घर दिख रहा है, इधर रास्ता है। अच्छा अच्छा जाएंगे मिल जाएंगे, चलिए तो चलते हैं। ओके थैंक यू, तो चलो आगे है थोड़ा सा भी, और फिर वहाँ से जाएंगे, आगे से निकल जाएंगे ना। आप इतने दूर में क्या बैठेंगे? हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आगे से लिफ्ट मार दो। चलो और ये यहाँ पे भी है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वो है म्यूजियम क्या हुआ? हाँ यहाँ पे ओके बहुत बड़ा है। चलिए ओके तो चलिए गाइस, इन्होंने अभी लिफ्ट दी थी, आगे चलते हैं, मौसम यार ख़राब हो रहा है, सुबह सुबह मज़ा ले रहा हूँ मौसम में ही। चलो बने रहिए ब्लॉग। वैसे भी जो आप देख रहे हैं ये है म्यूज़ियम, जो कपिल वस्तु म्यूज़ियम नेपाल, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनका यहाँ पुराने टाइम का सामान वगैरह जो भी कुछ यहाँ कपिल वस्तु में जो चीज़ें थी वो रखी हुई है इधर। तो अभी ये बंद है 10:30 रुपये का, तो देखता हूँ अगर मैं तक आ गया वापस देख लेंगे, वरना आगे चलेंगे। वैसे इसकी टिकट भी है, देखते हैं जो भी होगा, अगर मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा। अभी इधर जा रहा हूँ, यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है आगे, तो चलते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ रास्ता थोड़ा ऐसा ही है गंभीर, तो चलिए पैदल चलेंगे 1/2 किलोमीटर, कोई ज़्यादा नहीं। अभी आ चुका हूँ गौतम बुद्ध को राजधानी प्राचीन कपिल वस्तु, और ये है तिलकोरा कोट, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध जी के पिताजी रहते थे, ये वही स्थान है यहाँ पर तिलकोरा कोट। तो अभी मैं इधर ही अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं इधर क्या क्या है देखने के लिए, और ये देखिए आप आपका एंट्री किस तरीके से है कुछ, और अभी चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा अच्छा इस तरीके से पूरा बना हुआ है ये लकड़ियों से, और पूरा चारों तरफ तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है कपिल वस्तु राजधानी, जो कि एक समय पर राजा शुद्धोधन, जो कि भगवान गौतम बुद्ध जी के पिताजी थे, उनकी यहाँ राजधानी हुआ करती थी, और उनका यहाँ पर दरबार लगाया जाता था। मतलब काफी बड़ा मैदान है, और यहाँ काफी ये पुराने पुराने ही चीजें यहाँ बनी हुई हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं गौतम बुद्ध जी के समय की, और यही वो स्थान है जहाँ उनका परिवार हुआ करता था, जहाँ उनका घर था, यानी कि इनके पिताजी। कौन सी जगह अम्मा? तिलोरा कोट कपिल वस्तु। अच्छा यहाँ पे गौतम बुद्ध जी रहते थे क्या? ये गौतम बुद्ध का ये राजधानी। अच्छा ये पूरी उन्हीं की राजधानी है? ये पूरी उन्हीं का राजधानी है, और जो मंदिर था उधर, हाँ उधर वो मंदिर में हमने बाजा बजा दिया। अच्छा अच्छा हमारा दो पोस्ता बीत
झाड़ू बहाड़ू कर। तो वो रहते कहाँ पे थे? गौतम बुद्ध जी कहाँ रहते थे? यही दरबार है ना। अच्छा, यही दरबार है उनका। यही दरबार। तो अब घर वगैरह तो सब हो गया है। कपिल वस्तु का नाम ऋषि कपिल मुनि के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ रहकर काफी वर्षों तक तपस्या की और तो चलिए गाइस, और यहाँ मतलब जो पुराने अवशेष थे, यानी कि कपिल वस्तु राजधानी थी, उन्हीं का यहाँ राज लगता था, गौतम बुद्ध जी का। और गौतम बुद्ध जी के जो पिताजी थे वो यहाँ के राजा थे, तो उन्हीं का दरबार लगता था। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी बड़ी जो जगह है, ये उन्हीं की जगह थी। तो बाकी जो घर वगैरह जो थे वो सब अंदर बता रहे थे कि अंदर दब गए हैं, लेकिन जो पूजा स्थल का केवल जगह थी वही बची है। तो बस चलिए, इधर पुराने अवशेष हैं जो बचे हुए हैं, यही हैं। अब चलते हम लुम्ब। मैं भी जा रहा हूँ, इधर एक मंदिर बना हुआ है काफ़ी पुराना, उनके जो माता पिता की पूजा इधर होती है अभी। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और ये सब पुराना ही समय का बना हुआ है अभी, इतना ही, बाकी सब अंदर ज़मीन के अंदर धस गया है, कहीं ज़मीन ऊंची है कहीं नीची है, इस तरीके से काफ़ी पुराना जगह है ये। तो अभी इधर चलते हैं, इधर देखें ये नहीं, मैं तो बस यहाँ। तो आप देख ही रहे हैं ये सभी हाथियों के रूप हैं, और यहाँ अच्छा उनकी मूर्तियाँ क्या है उधर अंदर? पत्थर की मूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध जी के माता पिता की। तो अभी उन्हीं की पूजा होती है इधर? उन्हीं का पूजा होती है। अच्छा, ये जो आप हाथी देखने हैं भाई साहब, ये माया देवी का सपना है। गौतम बुद्ध की नहीं जन्म हुआ था तो उनको माता ने सपना देखी थी सेतु हाथी। अच्छा अच्छा, सेतु हाथी देखने के बाद गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था, वही कारण यहाँ को लोग सब लोग अपनी मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है तो ला करके हाथी चढ़ावा। अच्छा, हाथी हमारा दो पुस्ता बीत गया, यहाँ झाड़ू बहाड़ू करते है, बाजा बजाते, मृदंग बोलते हैं। अच्छा, आपको आपका भी झाड़ू? थोड़ा बजा के दिखा देंगे इसको अभी? नहीं, तो चलिए अभी ये बजाते हैं इसको मृदंग। और इनकी दो मतलब दो पीढ़ियां ना, दो पीढ़ियां यानी कि दो पुस्तें इनकी यहाँ पे ही सेवा करते करते और बीत चुकी हैं। अभी ये तीसरी भी है आपकी, दूसरा, और इनका ये दूसरा पीढ़ी है, यहीं पर ये रहते हैं। और ये मंदिर है काफ़ी पुराना टाइम का, यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं और उनकी जो मनोकामना पूर्ण रहती है। तो बस अभी इधर ही है। और लुम्बिनी कितना दूर होगा यहाँ से? तो चलो अभी हम आपको लुम्बिनी भी दिखाएंगे। लुम्बिनी खुल गया होगा इधर, उधर खुल गया होगा। और ये जो आप जितने भी यहाँ हाथी देख रहे हैं, ये जिन जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार हाथियों को यहाँ मतलब हाथी की प्रतिमा यहाँ भेंट करते हैं, छोटे सब तरीके के जो भी उनकी जैसी श्रद्धा होती है। तो चलिए अभी मैं आपको लुम्बिनी लेके चलता हूँ, उधर भी घुमाऊंगा। और अभी बारिश हो रही है, कोई नहीं, पर बारिश में ही आनंद है घूमने का। चलिए ठीक है जी, जय भी। और चलो चलते हैं। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ बिरोहिया, और यहाँ से बस अभी 8-9 किलोमीटर रह गया है लुम्बिनी। तो अभी एक टीचर मिल गए थे मेरे को, वो स्कूल जा रहे थे,
उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी थी 10 किलोमीटर के करीब। तो अभी मैं और देखता हूँ अगर लिफ्ट मिल जाए तो, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, तो देखते हैं। आप कहाँ तक जा रहे हैं? आगे तक छोड़ देंगे? चलिए, तो चलिए गलत।